यूपी के जनपद बुलंदशहर में कॉलेज प्रबंधक और प्राचार्य के उत्पीड़न से तंग आकर चपरासी ने किया आत्महत्या का प्रयास। सोशल मीडिया पर वीडियो किया अपलोड। पत्नी ने एसएसपी संतोष कुमार सिंह से मिलकर की शिकायत, जांच शुरू। पूरा मामला बुलंदशहर सिटी के गांधी बाल निकेतन कन्या इंटर कॉलेज का है। मेरा नाम रविता है। मेरे हस्बैंड गांधी बाल निकेतन में नाइट ड्यूटी कर रहे हैं। इस टाइम उनसे 18 घंटे की ड्यूटी कराई जा रही है। 2 घंटे के लिए मैनेजर साहब अपने घर बुला रहे हैं, जो गांधी बाल निकेतन के मैनेजर हैं, और उन पर लेटरबाजी चल रही है बहुत ज़्यादा। उन्हें परेशान करा जा रहा है, आप झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में मेरे हस्बैंड ने सुबह 7:30 के करीब में जहर खा लिया है, और अब पहले सरकारी अस्पताल ले गए थे, मेरे पास तो फोन करा था कर्मचारियों ने। अब तुम एसएसपी साहब से मिली हो, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उनसे ये रिक्वेस्ट करने आई हूँ मैं कि ये बड़े बड़े लोग हमसे अपने घरों के झाड़ू पोछा कराएंगे। एक कर्मचारी की ड्यूटी 8 से 7 घंटे होती है ना, 8 या 9 घंटे करा लीजिए, तो वो कर्मचारी की ड्यूटी 18-18 घंटे कराएंगे क्या? यहाँ लोग सरकारी नहीं है, ये वो लोग 18 घंटे की ड्यूटी करते हैं क्या? यहाँ वो स्कूल विभाग में है, चलो कोई बात नहीं, तो क्या वो 18-18 घंटे की ड्यूटी कर पाएंगे? उसके बाद मैनेजर साहब कहते हैं फ़ोन करके कि हमारे घर 2 घंटे के लिए आओ, अगर तुम नहीं आ सकते हो तो अपनी बीवी को भेजिए, झाड़ू पोछा करके जाएगी। हमसे पहले सस्पेंड कर दिए हैं सतीश कुमार, उसी स्कूल में नाइट ड्यूटी करते थे, वो नहीं आ पाते थे, जब बीमार हो जाते थे उनके बीवी बच्चे वहाँ झाड़ू पोछा करने जाते थे। उन्होंने माफ़ी मांगी है, पैर छुए हैं, उन्हें फिर भी सस्पेंड कर दिया है। उनके जाने के बाद अब से पहले तुम्हारे पति ने कभी किसी और किसी ने इस चीज़ का विरोध नहीं किया, किसी ने शिकायत नहीं की? सारी शिकायत पूरी फाइल भरी पड़ी है एसएसपी की, सुनवाई नहीं होती है सारी, ये रही शिकायत, आप फोटो ले सकते हो। और डीएम साहब से भी सुनवाई की थी, आपने वीडियो भी नहीं देखी होगी, वीडियो में भी आ रहे हैं, डीएम साहब ने हमारी सुनवाई, लेकिन इंक्वायरी करने कोई नहीं आया।